और अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां 50 फीट गहरे कुएं में एक भैंस गिर गई। आपको बता दें कि अच्छी खबर ये रही कि कुएं में पानी नहीं था, जिसके कारण भैंस जिंदा रही। स्थानीय लोगों ने जब भैंस का रेस्क्यू करने से हाथ खड़ा कर दिया तो फिर नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई और आखिरकार 3 घंटों की मशक्कत के बाद भैंस को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। सिंगरौली मुख्यालय के कनियारी बस्ती में घूम रही एक भैंस करीब 50 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गई और फंसी रही। दूसरे दिन आसपास के लोगों को जब जानकारी हुई तो लोग इकट्ठा हुए और भैंस को निकालने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन सबके हाथ खाली निकले, जिसके बाद लोगों ने आयुक्त आरपी सिंह को खबर दी, जहां नगर निगम का अमला तुरंत हरकत में आया और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचते ही नगर निगम टीम भी हैरान रह गई कि आखिर इतने गहरे कुएं से इतनी वजनी भैंस को बाहर कैसे निकाला जाए। रेस्क्यू टीम ने तरकीब निकाली और 30 फीट तक कुएं में पानी भरा गया ताकि भैंस ऊपर आए, और जैसे ही तैरते हुए भैंस ऊपर आने लगी उसे जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं लोगों ने नगर निगम की रेस्क्यू टीम की भी तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हाँ बस दूरी रह, दूरी रह, भसक सकल ना हमारे निकल जा भौरे वाले ए अब निकल जाए, निकल जाए, छोड़ दे, छोड़ दे। यार अभी आओ, अंदर चाचा परिवार का बढ़िया वहां।